أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ये सूरह बराअत है, आज उसका अक्सर हिस्सा पढ़ा गया। सूरह बराअत में अल्लाह तबारक व तआला का जलाल और अल्लाह तबारक व तआला रौब और मुशरिकीन पर और मुनाफिकीन पर ये आशकारा है, वाजे है, बहुत ही पुरशिकोह लबो लहजा है। अहले ईमान से भी इन आयतों में खिताब फरमाया अल्लाह ताला ने जलाल के अंदाज में, फरमाया ए ईमान वालों, अपने बाप दादा को और अपने भाई बंद को दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान के ऊपर कुफर को तरजीह दें तो, अगर वो ईमान के बजाय कुफर को इख्तियार करें, कुफर का साथ दें, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचें, इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करें तो तुम उनके साथ शरीक ना हो, अगरचे वो तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे चचा हो, कोई भी हो, लेकिन दीन, अल्लाह का दीन, ईमान, ये सबसे अजीज है। मैं यतवल्लहुम मिनकुम, जो उनका साथ देगा अपने रिश्तेदारों का, और इस वजह से कि वो उसका भाई है, अगरचे वो काफिर है और वो इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहा है और इस्लाम की वो जड़ काट रहा है, इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहा है और फिर वो साथ हो गया, औलाइका हुमुल जालिमून, तो ये लोग जालिम है। कुल इनकाना आबाउकुम, इसके बाद और पूरे वाजह अंदाज में, दो टोक अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो हमें कान खोल कर सुन लेना चाहिए। फरमाया आप ऐलान कर दीजिए ए मोमिनो, अगर तुम्हारे बाप दादा व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे पोते नवासे, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, तुम्हारा माल जो तुमने बैलेंस जमा करके रखा है, कमाया है बड़ी मेहनत से, जो मकान बनाया है, जो ज़मीन खरीदी है और जो असबाब बनाए हैं, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, और जो तिजारत तुमने सजाई है और जिसके ठप हो जाने का और कम हो जाने का हर वक्त तुम्हें अंदेशा लगा रहता है, वो तुम्हारा बिजनेस, वो तुम्हारी तिजारत, वो तुम्हारा कामकाज, कारोबार, जिसके खराब हो जाने से तुम डरते रहते हो, और जो माल तुमने बनाया है, वह मसाकिन तरबौना, जो बड़े बड़े महलात, हवेलियाँ, मकानात, बंगले जो तुम्हें बड़े अजीज हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें सारी जो जाहिरी चीज़ें होती हैं जिसका एक इंसान से अक्सर ताल्लुक़ होता है, उसमें इंसानों में भी आ गए भाई बंद, बेटे, बीवियाँ, रिश्तेदार, ख़ानदान, माल, जायदाद, तिजारत, मकानात,
ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें अजीज़ हैं, अहब्बा इलैकुम, ये ज़्यादा चहीती लगती हैं, मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अल्लाह ताला के मुकाबले में अल्लाह से ज़्यादा इनसे मोहब्बत है तुम्हें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारी हैं ये चीज़ें, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ये चीज़ें रुकावट बनती हैं और इनकी मोहब्बत तुम्हें रोक लेती है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने से, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अल्लाह के रास्ते में लड़ने से। तो अब समझ लो तुम, फतरबसु, अल्लाह ताला धमकी दे रहा है, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, कि अल्लाह का अजाब आ जाए। इसीलिए तो अजाब ही समझो, जो हम जिल्लत और नकबत में है वो अल्लाह का अजाब आ गया है हमारे ऊपर, के जलील खार कर दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया है ऐसे लोगों को जो बेईमान है, जो हम पर रहम नहीं करते हैं, जो हमारे ऊपर सख्त दिली के साथ मामला करते हैं। तो वो इसलिए कि हमने ये कर दिया है, हमें अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में और अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो मेहनत करना चाहिए था वो नहीं की, बस इसी में पड़ गए, भाई बहन, खानदान, बेटे, पोते, नाता नवासी और रिश्तेदार, बीवियां, मकाना, तिजारत, यही चीजें हैं जो हमें भा गए हैं, बस कुल कायनात यही हो गई है हमारी, हमें अल्लाह से कोई मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल से कोई मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन के लिए हमें कुर्बानी देने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोमिन की जिंदगी में क्या ये होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम, चाहे बाप नाराज हो जाए, बेटा नाराज हो जाए, खानदान पूरा नाराज हो जाए, जब ही तो समझा जाएगा कि अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है कि इन चीजों की मोहब्बत ज्यादा है। कब समझा जाएगा, जब एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत हो और इनकी रजा हो, ये जो है दूसरी बात कह रहे हो। तो आदमी क्या कहता है, यार मेरे अब्बा नहीं चाह रहे हैं। अरे तुम्हारे अब्बा नहीं चाह रहे हैं तो तुम नहीं करोगे, वो यार मेरे खानदान वाले राजी नहीं है इस बात से, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आदमी बस ये कहता है, तो इसका मतलब तुमने इन चीजों को ज्यादा तरजीह दी है, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया तुमने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया तुमने, अल्लाह के दीन के लिए कोई तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है कि हम हमारी जान लग जाए, हमारा माल लग जाए अल्लाह के रास्ते में, हमारी जिंदगी पूरी अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए काम आ जाए। तुम्हें इससे तो कोई ये सौदा तुम्हारे अंदर नहीं समाया हुआ है। सौदा जो है समाया हुआ है तो माल और दौलत का समाया हुआ है, खानदान में इज्जत का समाया हुआ है, तो अल्लाह ताला के राय अल्लाह का अजाब आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता, ऐसे लोग फासिक होते हैं। फासिक का मतलब बददीन, जिनको अल्लाह ताला से कोई कोई अल्लाह ताला से ताल्लुक ही नहीं, अल्लाह से कोई मोहब्बत ही नहीं। हालांकि मोमिनों के बारे में क्या आया, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, के जो अहले ईमान है वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं, सारी चीजों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होती है उनको। क्यों ना हो, अल्लाह से इन चीजों से क्यों मोहब्बत होगी, ये तो अल्लाह ने दी है ना। खालिक कौन है अल्लाह, राजिक कौन है अल्लाह, ये सारी चीजें देने वाला कौन है अल्लाह, फिर हमने उन्हीं चीजों को असल समझ लिया, तो फिर अल्लाह ताला का जलाल होगा कि नहीं होगा, अल्लाह की खफगी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने धमकी दी है और डराया है कि ये रवैया तुम्हारा बहुत गलत है। और देखिए जलाल के अंदाज में अल्लाह ताला क्या फरमाता है ईमान से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इदा क़ील लकुम फिरू फी सबीलिल्लाहि ताक़ल्तुम इलल अर्ध أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل। कुछ लोग गज़वाए तबूक में नहीं जा सके थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हालांकि बड़ी सख्ती का वक्त था, गर्मी का वक्त था, इधर फल पक रहे थे, तो कुछ लोग रह गए अपने फलों में, अपने बागात में, और गर्मी की शिद्दत की वजह से आराम में, बस आसाइश में। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या दम क्या अंदाज इख्तियार किया, क्या डांट पिलाई अल्लाह ताला ने, फरमाया ए ईमान वालों, मालकुम, क्या हो गया है तुम्हें, जब तुमसे कहा जाता है इन फिरू फी सबीलिल्लाह, चलो अल्लाह के रास्ते में, दुश्मनों से
मुकाबला आराई करने के लिए, जो दीन में रुकावटें बन रहे हैं उनसे मुकाबला आराई करना है, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो। तो इस साकल तुम इल अर्द, जमीन से चिपक जाते हो तुम। अरदी तुम बिल हयात दुनिया मिन अल आखिरा, दुनिया ही जिंदगी पर राजी हो गए हो, आखिरत को भूल गए हो, दुनिया सब कुछ मालूम होती है तुम्हें। तमाम मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत कलील है, कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मत दुनिया फिल आखिरत इल्ला मिस्लु मा यजअल अहदुकुम इसबाहु फिल यम्मी फलयंजुर बिमा तरजिअ। कि आखिरत और दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे समुंदर है, उसमें उंगली डालो फिर निकाल लो तो देखो कितना पानी आया है और वहां समुंदर है। तो आखिरत और दुनिया में इतना मुकाबला है कि ये उंगली का पानी है, एक बूंद पानी भी नहीं आता उंगली में, वो भी गिर जाता है, जो कितना बाकी रहता है वो समुंदर है, वो आखिरत है। तो तुमने दुनिया को तरजीह दे दी है, तुम दीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कोई कोशिश नहीं है। तो दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, थोड़ी है। इल्ला तनफिरु, अगर तुम अल्लाह के रास्ते के लिए नहीं तैयार हुए, तुम नहीं निकल खड़े हुए, नहीं उठ खड़े हुए तुम अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, युअद्दिबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ताला तुम्हें सख्त अजाब देगा, दर्दनाक अजाब देगा। कह रहा है अल्लाह ताला, यही तो हुआ है हम लोगों के साथ, नहीं अल्लाह के दीन की मदद नहीं की, अल्लाह के दीन को हमने नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह सख्त अजाब देगा तुम्हें। वयस्तब्दिल क़ौमन गैरकुम, और तुम्हारे अलावा दूसरी कौम खड़ी कर देगा। ऐसा हुआ है कि दूसरे लोगों को हिदायत दे दी अल्लाह ताला ने, उन्होंने फिर अल्लाह के दीन का काम किया और इन लोगों को हटा दिया गया, ये लोग जलील व ख्वार ही रहे, दूसरे लोग तैयार हो गए। अल्लाह ताला तुम्हारे अलावा दूसरी कौम बदल सकता है, उनसे काम ले सकता है। वला तदुर्रुहु शैया, तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जरूरत है। तुम्हें अल्लाह ताला आजमाता है, तुम्हें देख रहा है, इसलिए अल्लाह ताला फिर अल्लाह का ये तो करम है कि अल्लाह ताला ये तंबीह भी करता है, वरना अल्लाह को क्या जरूरत है, जो चाहे करो। लेकिन अल्लाह ताला समझाता है इंसानों को कि तुम्हारी आखिरत बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी आखिरत भी बन जाएगी। तो हमें होश में आना चाहिए कि आज अल्लाह के दीन के लिए हमें कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, कितनी ज़रूरत है आज अल्लाह के दीन को। गैर कितना अपने बातिल के लिए कितनी वो कुर्बानी देते हैं अपने बातिल के लिए, और हम हक वाले हक को बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई कुर्बानी नहीं दी, उस पर अमल ही नहीं है खुद, तो फिर कुर्बानी का क्या सवाल है। इसलिए ये लम्हा फिक्रिया है, ऐसे ही नहीं सरबुलंद हो जाएगा अल्लाह का दीन, उसको दिलो जान से अजीज रखना पड़ेगा और वाकई आना पड़ेगा अल्लाह के दीन को, अल्लाह के झंडे को बुलंद करने के लिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबी व अला आलिही व सहाबीही।